ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम रेजोनेंस। रेजोनेंस याने होता है अनुनाद। रेजोनेंस याने क्या होता है? अनुनाद। और ये जो अनुनाद की जो स्थिति पैदा होती है ये एसी सर्किट में होती है। किस में होती है? एसी सर्किट में। तो जो रेजोनेंस की कंडीशन जो पैदा होगी, रेजोनेंस अर्थात अनुनाद की, अनुनाद की जो स्थिति पैदा होगी वो किस में होगी? एसी सर्किट में होगी। अब यहाँ पर देखेंगे हम आरएलसी सर्किट, सबसे पहले तो रेजोनेंस हम पढ़ रहे हैं तो आरएलसी सर्किट पढ़ेंगे। तो किसी भी जो कोई श्रेणी में है या समांतर में है, यदि श्रेणी को सबसे पहले लें, जब श्रेणी में आप आर एल और सी तीनों को क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे, सर्किट में आप कनेक्ट करेंगे। तो ये कोई सर्किट है, यहाँ पर आपने आर को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर आपने एल को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर आपने सी को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप एसी सप्लाई देंगे इसे, तो ये हो गया आर और एल और ये सी। इस तरीके से आप एसी सर्किट में, ये एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई में आपने आरएल सी को कनेक्ट कर दिया और वो भी किस में? श्रेणी में। कैसे कनेक्ट किया आपने? श्रेणी में कनेक्ट किया है। तो जब आप श्रेणी में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक स्थिति ऐसी पैदा होगी कि ये एक्सएल जो है वो एक्सी के बराबर हो जाएगा। इसमें जो एक्सएल है ये एक्सी के बराबर हो जाएगा। जब एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो जाएंगे तब यहाँ पर एक यथा स्थिति पैदा होगी अनुनाद की। मैं इसके पहले आपको यही बता रहा था, ये जो एक्सएल है एक्सी के बराबर होगा तब ही अनुनाद पैदा होगा। तो आइए इसको देखते हैं हम। यदि हम इसे समझते हैं रेजोनेंस को, तो रेजोनेंस क्या होता है? ये जो आर एल और सी है, यदि इसको हम क्या करेंगे? श्रेणी में कनेक्ट करेंगे। जब ये श्रेणी में कनेक्ट होगा तो यहाँ पर हमें मालूम है कि एक ऐसी स्थिति पैदा होती है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, यहाँ पर वी आर ड्रॉप होता है, यहाँ पर वी एल और यहाँ पर वी सी, इस तरीके से ड्रॉप होता है। अब हमने देखा था यदि इसका फार्मूला लिखेंगे हम Z इक्वल, तो Z इक्वल फार्मूला कैसा लिखेंगे? रूट में लिखेंगे, ये R का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसके पहले बताया मैंने XL सर्वाक्षम XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। कब के सिचुएशन में? इम्पिडेंस निकालने की सिचुएशन में। तो ये इम्पिडेंस के सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। चलिए इसे समझते हैं। इसमें जो XL इक्वल XC जो होगा, ये जो XL है मतलब कि ये क्या हो जाएगा? X या मतलब क्या होता है? X को किससे शो करते हैं हम? रिएक्टेंस से। ये क्या है? एक प्रकार का रिएक्टेंस है, ठीक है। ये X जो रिएक्टेंस है और ये भी एक रिएक्टेंस है, मतलब कि XL और XC ये भी एक प्रकार का क्या है? रिएक्टेंस ही है। लेकिन ये जो है L लगा है तो ये क्या हो जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा। और C लगा है तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आए एसी सर्किट में कि ये जो XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस के मान के बराबर हो जाए, तब यहाँ पर रेजोनेंस मतलब अनुनाद की स्थिति पैदा होगी। अब ये बराबर कब होंगे और किस सिचुएशन में होंगे? तो कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया, ट्रांसमिशन लाइन के नीचे यदि ये आर वाई और बी, ट्रांसमिशन लाइन है ये, इसे कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। अब ये ट्रांसमिशन लाइन दिख रहा है आपको, इस ट्रांसमिशन लाइन के नीचे यदि कोई टेलीफोन तार, ये क्या हो गया? टेलीफोन तार। ये टेलीफोन तार इसके नीचे से गुजरे तो क्या होगा? इसमें जो फ्रीक्वेंसी जा रही है और ये जो ट्रांसमिशन लाइन में जो फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तब रेजोनेंस की स्थिति पैदा होती है। अब ये मैच कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर, अक्सर क्या होता है, ध्यान से सुनिए इधर, अक्सर क्या होता है देखना आप, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उस ट्रांसमिशन लाइन में देखना, उसके थ्रू बात किया जाता है, एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन बात किया जाता है। तो जैसे एक ट्रांसमिशन लाइन है और दूसरी ट्रांसमिशन लाइन में यदि आप बात कर रहे हैं, जैसे कि ये बालाघाट का सब स्टेशन हो गया, फर्स्ट में मान के चलिए बालाघाट का सब स्टेशन है और ये सिवनी का सब स्टेशन है। तो जब बालाघाट का सब स्टेशन और ये सिवनी का सब स्टेशन, ये आपस में क्या करते हैं? यहाँ पर कम्युनिकेशन करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू,
फोन के थ्रू नहीं करते, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू करते हैं। तो जब आप ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को क्या किया जाता है, पीएलसीसी के माध्यम से, पीएलसीसी पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करते हैं, आपस में बालाघाट वाला सिवनी वाले सब स्टेशन से बात करेगा। जब इसको लगाया जाता है तो यहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें भी उतनी फ्रीक्वेंसी, उतनी गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, हम ट्रांसमिट करते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो उतनी ही गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करेंगे। तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके नीचे ये टेलीफोन लाइन है। अब ये टेलीफोन लाइन में भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी यदि जनरेट हो, मतलब कि वहाँ से ट्रांसमिट हो रही है, तो ये दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, अनुनाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। यहाँ पर अनुनाद की स्थिति पैदा हो जाती है जिसके कारण इंटरफेरेंस होता है। तो इसी को कहते हैं रेडियो इंटरफेरेंस। क्या बोला जाता है इसे, रेडियो इंटरफेरेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम, रेडियो इंटरफेरेंस। तो ये ट्रांसमिशन लाइन के नीचे टेलीफोन का तार चले जाए और जब आप बात करोगे टेलीफोन से तो आपको इंटरफेरेंस, मतलब कि अलग सी एक ध्वनि या साउंड उत्पन्न होगा आपको, मतलब क्लियर साउंड नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा रेडियो इंटरफेरेंस, मतलब कि इसी को बोलते हैं प्रतिबाधा। इसके लिए क्या करते हैं फिर हम, इस तरीके से आर वाई बी को क्या करेंगे, आर वाई बी, ये रेडियो इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए इस टाइप से फिर ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ किया जाता है। मतलब ऐसा कैची वाले सिस्टम से हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसमिट कर लेंगे। तो यहाँ से ये आर हो गया, यहाँ आर आ गया, ये वाई कहाँ चले गया, यहाँ चला गया, और बी कहाँ चले गया, बीच में आ गया। तो इस तरीके से जब आप ऐसी कैची बनाकर ट्रांसमिट करते हैं तार से, ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ करते हैं, तब ये रेडियो इंटरफेरेंस दूर हो जाता है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे, यदि किसी श्रेणी मतलब आरएलसी परिपथ में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसमें एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए, तो एक्सएल जब एक्सी के बराबर हो जाएगा तब ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसे आप रेजोनेंस की स्थिति बोलते हैं, ठीक है, अर्थात कि अनुनाद की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब ये अनुनाद की स्थिति पैदा क्यों होती है, किस वजह से होती है, ये भी देखेंगे। तो यदि सीरीज सर्किट है तब होगा यहाँ पर। तो कोई भी यदि सीरीज में रेजोनेंट सर्किट होगा कोई भी जिसमें एक्स एल और एक्स सी दोनों बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस सर्किट हो जाएगा, रेजोनेंस सर्किट हो जाएगा। तो इसमें सीरीज परिपथ में जो कुल रिएक्टेंस होगा, टोटल रिएक्टेंस, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कि ये जो रिएक्टेंस एक्स का मान जो है, ये टोटल रिएक्टेंस का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अर्थात कि शून्य हो जाएगा। तब की स्थिति में ये जो है, तथा इंपीडेंस का मान क्या हो जाएगा सर्किट में, कुल प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा इंपीडेंस का मान। तो कुल प्रतिरोध के बराबर जब इंपीडेंस अर्थात जेड का मान बराबर हो जाएगा, तब की स्थिति जो होगी वो रेजोनेंस की स्थिति होगी, रेजोनेंस की स्थिति होगी। अर्थात जब ये स्थिति ऐसी होगी, Z का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और दूसरा X का मान क्या हो जाएगा, अर्थात रिएक्टेंस का मान जीरो हो जाए, तब यहाँ पर XL बराबर XC की स्थिति पैदा होगी जिसे आप क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसका फार्मूला देखोगे आप, ठीक है, दूसरे शब्दों में बोलें तो इसको सिंपल शब्दों में आप पढ़ोगे तो किसी श्रेणी आरएलसी परिपथ में वह स्थिति जिसमें एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाए तो क्या कहलाएगा, रेजोनेंस कहलाएगा ऐसी स्थिति। तो ये स्थिति कौन सी पैदा हुई, एक्सएल बराबर एक्ससी की स्थिति पैदा हुई। और ऐसा ही श्रेणी परिपथ, ठीक है, श्रेणी में ही परिपथ होगा वो क्या कहलाएगा, रेजोनेंस सर्किट कहलाएगा, मतलब कि अनुनाद परिपथ कहलाएगा। ऐसा परिपथ जब श्रेणी में होगा तो अनुनाद परिपथ कहलाएगा। सेकंड पॉइंट है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट में कुल रिएक्टेंस का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो ये जो टोटल रिएक्टेंस का मान है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसे ही रिएक्टेंस कहा जाता है। और ये जो रिएक्टेंस एक्स है, इसको बताया था मैंने आपको किसके अपोजिट में होता है, ये एस के अपोजिट होता है, ये क्या हो जाएगा, सस्पेक्टेंस होता है, ये हो जाएगा रिएक्टेंस। इसके अपोजिट होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कौन सा वाला, ये जो रिएक्टेंस है ये सस्पेक्टेंस है एस,
ये वन अपान एक्स इक्वल वन अपान एस, कौन सा वाला रिएक्टेंस को, इसको प्रतिघात बोला जाता है। जेड को क्या कहा जाता है, प्रतिबाधा, ठीक है, और उसे क्या कहा जाता है, प्रतिघात। इसका जो फार्मूला है जेड इक्वल, देख लीजिए ये फार्मूला भी कहां से निकला है, हमने आरएलसी सर्किट पढ़े थे वहीं से फार्मूला बना, ये वही फार्मूला है, जेड इक्वल रूट में आर स्क्वायर प्लस, ये क्या है, जेड इक्वल रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल सर्वांग सम एक्स सी का होल स्क्वायर। अब ये जो एक्स एल और एक्स सी के बारे में जो तथ्य मिलते हैं वो रेजोनेंस में ही मिलते हैं, क्यों, जब एक्स एल बराबर एक्स सी हो जाएगा तब ही रेजोनेंस की स्थिति पैदा होगी। तो ये रेजोनेंस की स्थिति पैदा कब होती है, इसका बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें देखेंगे ये जो z है, अब यहाँ पर देखेंगे ये r स्क्वायर हो गया प्लस एक्स एल एक्स सी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसमें ये r स्क्वायर जैसा का वैसा है, अब ये मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, क्या हो जाएगा, ये मान शून्य हो जाएगा, तो ये शून्य का वर्ग हो गया जीरो का स्क्वायर। तो अब ये कंडीशन कैसी हो गई, ये रूट में r का वर्ग हो गया, तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो z इक्वल क्या हो जाएगा, r। यही स्थिति पैदा होती है, आगे देखेंगे तो z का होल स्क्वायर, देखो यहाँ दिख रहा है आपको, ये z का स्क्वायर था, इसको हमने इधर ला लिए, वर्गमूल इसमें लगा दिए, ये r का वर्ग हो गया और जीरो का वर्ग। तो ऐसी स्थिति जब पैदा हो z इक्वल r के बराबर हो, मतलब कि इम्पीडेंस जो है वो रजिस्टेंस के बराबर हो, इम्पीडेंस इक्वल क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस। देखो इम्पीडेंस भी क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, और रेजिस्टेंस भी क्या काम करता है, बाधा उत्पन्न करता है। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तब ही एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर की स्थिति में आएंगे। जब इम्पीडेंस, टोटल सर्किट का इम्पीडेंस और टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो, ऐसी स्थिति में ही एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, एक्ससी हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है कुछ, तो ऐसी स्थिति कब पैदा होती है, एसी सर्किट में ही पैदा होती है ऐसी स्थिति। तो यहाँ पर इसका फार्मूला बनता है, ये फार्मूला है 2 पाई, देखो एफ इक्वल क्या हो जाएगा, 1/π रूट एल सी, एल क्या है, इंडक्टेंस है, सी क्या है, कैपेसिटेंस है, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, मैं उसी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था, मैं ये फ्रीक्वेंसी, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये अंडर रूट में हो जाएंगे। अब ये आता कहाँ से है, इसके पीछे ही बहुत बड़ा तथ्य है, ठीक है, ये एक फार्मूला है 2πfL=1/2πfC, ये एक फार्मूला 2πfL=1/2πfC। अब देखो ये जो है एफ एल, यहाँ पर हम बात कर रहे थे इंडक्टेंस की, ये इंडक्टेंस है और ये क्या है, कैपेसिटेंस है ना, यहाँ पर क्या लिखा है एल, तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस हो जाएगा, और यहाँ पर सी लिखा तो क्या हो जाएगा। तो ये जो मान है 2πfL, ये मान होता है एक्स का, जो मान है ये वही एक्स के मान के बराबर होगा, कहने का मतलब एक्स एल का जो मान है ये वही मान है, मतलब इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, इसको कहते हैं एक्स को रिएक्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर 1/ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये फार्मूला है उसका, वास्तविक फार्मूला, और इसको लिखेंगे कैसे, ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसको क्या लिखोगे, 2πfL, और ये हो जाएगा 1/ कैपेसिटिव है तो 2πfC।
ये फार्मूला है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो फ्रीक्वेंसी है। देखो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी है। यही फ्रीक्वेंसी जो है XL इक्वल XC के बराबर होता है। ठीक है, तीतर मारे खड़े हो जाओ।